मैं देखा है बच्चे और जानवर ना नेचुरली एक दूसरे में काफी इंटरेस्टेड रहते हैं, पर कई माँ बाप की क्या आदत होती है कि बच्चे के पास कुत्ता आया नहीं कि कहेंगे हट इसको शू कर दे। अब वो बच्चे को तो सारी जीवन के लिए कुत्तों से डरा ही रहे हैं, अपने लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। अब मन्नत जी जाहिर सी बात है जानवरों से नहीं डरते, वो बहुत से रेस्क्यूज करते हैं। एक दिन उन्हें समर दिखी, समर का पैर टूटा हुआ था तो उसको पालमपुर अस्पताल ले गए, पालमपुर वालों ने इसकी स्प्लिंटिंग कर दी। अब रिकवरी के दौरान समर के पास काम तो था नहीं कुछ करने को, सारा दिन बैठ के उसने अपना स्प्लिंट चबाया और वो अपनी टांग को भी चबा गई। तो जब मन्नत जी को लगा कि उनसे वो हैंडल नहीं हो रही, वो इसको यहाँ ले आए, पर उसकी टांग की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि हमारे पास उसकी टांग को काटने के अलावा कोई चारा नहीं था। खैर मैं उन माँ बाप की बात कर रहा था जो बच्चों को जानवर को दुत्कारने को कह देते हैं। अब वो उसको क्या शिक्षा दे रहे हैं, जो जानवर बच्चे को कुछ कह भी नहीं रहा, आज बच्चा उसको दुत्कारेगा तो जब माँ बाप उसको चार बात सुनाएंगे तो माँ बाप की सुन लेगा, उनको नहीं दुत्कारेगा। अब इसी तरह कई माँ बाप होते हैं कि बच्चे ने कुत्ते को हाथ लगाया नहीं, कहेंगे ओहो डर्टी डॉगी इसको तुमने टच कर लिया, अरे तो इसमें क्या हो गया भाई, वो बाद में धो लेगा हाथ। और सर्वविदित फैक्ट है कि जो बच्चे जानवरों के साथ पले बड़े होते हैं उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, उनको एलर्जीज नहीं होती। ना सिर्फ वो बच्चे की इम्यूनिटी ख़त्म कर रहे हैं बल्कि अपने भी पैर पे बहुत कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब शाइनी को लीजिए, शाइनी सारा दिन कुत्तों के मगर लगी रहती है। तो समर आज अगर पूरी तरह हेल्दी है, खेलती कूदती है, लोगों के साथ फ्रेंडली है, वो इसीलिए ना क्योंकि शाइनी उसके साथ इतना खेलती कूदती है। अब ये जो लोग हैं जो बच्चों में कुत्ते को छूने मात्र पे इतनी घृणा भर देते हैं, कल को भगवान ना करे वो बीमार है, बिस्तर पे पड़े हैं, उनके शरीर की सफाई बच्चे को करनी पड़ती है या डाइपर बदलने पड़ते हैं, तो ये बच्चा वो कर लेगा? देखिए हमारा हर एक व्यवहार बच्चों के लिए शिक्षा का एक बीज है, और अगर हम बबूल बोएंगे तो हम आम तो नहीं खाएंगे।